नेक्स्ट वीडियो डू मैनेजमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही सिटीज हैं जितनी भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स हैं कंट्रीज हैं कॉन्स्टेंटली सम काइंड ऑफ ए नेचुरल डिजास्टर कैन है कोई भी कोस्ट है वहां पर किसी भी समय सुनामी आ सकती है अर्थ आ सकते हैं uh, बीमारी एपिडेमिक्स एरिया को एक साथ इफेक्ट करे डिजास्टर मैनेजमेंट नैचुरल भी मैन मेड भी होते हैं इसके अंदर सो जूरिंग दिन गवर्नमेंट थॉट कि वी नीड टू है स्पेशलाइज एजेंसी जो कि इन चीजों को हैंडल करे तो 1990 में 1999 में एक एक्चुअली में कमेटी बनाई गई थी हाई पावर्ड कमेटी और 2001 में एक नेशनल कमेटी बनी थी 2001 में गुजरात में एक मेजर अर्थक्वेक आया था लातूर में तो उस अर्थक्वेक के तहत नॉन लातूर इज महाराष्ट्र गुजरात में कहीं और आया था गुजरात में एक अर्थक्वेक आया था उसके तहत एक कमेटी बनाई गई ठीक है रिकमेंडेशन थी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए क्या प्लान बनाने चाहिए पूरे के पूरे देश को एंड स्पेसिफिकली कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स जिससे डिजास्टर से होने वाले डैमेज को जितना भी ज़्यादा मिटिगेट किया जा सके उतना कर सकते हैं नाउ ये सब कुछ अंडर कंसल्टेशन था और 2004 में बेसिकली इंडिया में सुनामी आई सुनामी मतलब कि जब ओशियन में एक ओशियन के अंदर एक अर्थ को एक आ जाता है तो ओशियन वेव्स बहुत ज़्यादा स्पीड से और बहुत ज़्यादा हाइट से बेसिकली जब कोस्ट पे हिट करते हैं सो दोज हाई वेव्स आर कॉल्ड एज दी सुनामी विच लीड वंस इन ए सेंचुरी काइंड ऑफ डैमेज द इंडियन कोस्ट लाइन सो जब वो सुनामी आई तो गवर्नमेंट रियलाइज की वी नीड टू एक्चुअली टेक सम स्टेप टू इट सो दे इन टू थाउजेंड फाइव पास द एक्ट कॉल एज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है पार्लियामेंट ने जो पास किया इसने इंडिया में तीन लेवल का डिजास्टर मैकेनिज्म बनाया है एक तो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल लेवल पर फिर है एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट लेवल पर और फिर एक हर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है दैट इज चेयरपर्सन बाई द प्राइम मिनिस्टर जो स्टेट वाली है एनालॉगसली वो बेसिकली क्या नाम है चीफ मिनिस्टर के द्वारा चेयर पर्सन की जाती है चेयरमैन होते हैं उसके एंड द डिस्ट्रिक्ट लेकिन डिस्ट्रिक्ट में इलेक्टेड नहीं डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है दैट पर्सन इज द चेयर पर्सन जो इलेक्टेड uh, होते हैं वहाँ से एम और एम एम और जो म्यूनसिपालिटीज़ के दे, वो भी मेम्बर होते हैं बट चेयरपर्सन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि एक ब्यूरोक्रेट होता है तो ये तीनों लेवल पर एक थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है पहले दो लेवल पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर ब्यूरोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव है

राइट right? लैंड जो है वो बेसिकली माउंटेनियस एरियाज पे ज़्यादा आते हैं अर्थक्वेक जो है वो कहीं पर भी आ सकता है पैंडमिक जो है वो कहीं पर भी आ सकता है सो एवरी प्लेस एवरी जोग्राफिकल प्लेस हैव टू हैव अ डिफरेंट प्लान ऑफ डिफरेंट प्लान करना पड़ता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अकाल जो है वो डेजर्ट एरिया में ज्यादा आएगा बाढ़ जो है वो नदी वाले एरिया में ज्यादा आएगी सो so, एक पूरे के पूरे कंट्री के, के लिए एक होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच डिजाइन करनी है मैनेज करना है उसके डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वी मेड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ठीक है दो में बनाई गई थी अंडर द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया सब्सिक्वेंटली एनडीएमए वॉज नोटिफाइड इन टू थाउजेंड सिक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट सो अभी स्टेटूटरी बॉडी है स्टैटिकली बात करें स्टैटिक जो इसका पोर्शन है वो याद करना है नाउ अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है दिस इज इज नेसेसरी आई आई एम सो सॉरी डिडंट एक्चुअली टेल यू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंपॉर्टेंट द रीजन बीइंग कि डिजास्टर मैनेजमेंट ना आउट एंड आउट टॉपिक है हमारे पेपर 3 के अंदर एवरी ईयर देयर आर टू और थ्री क्वेश्चंस मतलब कम से कम 20 से 30 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट पे स्पेस मतलब दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि देयर इज एन एब्सोल्यूट सेपरेट सिलेबस सेक्शन इन यूपीएससी पेपर थ्री फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट अगर डिजास्टर मैनेजमेंट से कि डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई अच्छी सीरीज अगर एग्जिस्ट करती है तो हम उसको पहले से देख लेते हैं सो so दैट जरूरत पड़ने पर हम उसको कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अगर आपको कहीं पर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर करना हो तो अरे हमारे लड़के की वीडियो आई हुई है यहाँ पे तो हिंदो एनालिस प्रशांत तिवारी दस फरवरी कल की है दिखाओ भाई की बोर्ड कहाँ गया मेरा कंप्यूटर बिल्कुल सही टाइम पे हैंग हो जाता है बिकॉज लाइक्स टू एम्बेरसमी डिजास्टर मैनेजमेंट ओके नॉट बैड हा सो जो यूपीएससी का पेपर थ्री का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो हमने सारे के सारे इस सीरीज में किए हुए हैं उस समय ये सीरीज आईसीएर

एनडीएमए के दो ही प्राइम मिनिस्टर हुए 2005 में ये बॉडी बनी थी एट दैट टाइम मनमोहन सिंह जी वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड सिंस 2014 नरेंद्र मोदी जी इज बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर सो आज तक एनडीएमए के दो ही चेयरपर्सन हुए ओके okay. दूसरे जो मेंबर्स हैं एनडीएमए के वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं चेयरपर्सन ऑफ द एनडीएमए डी वन ऑफ द मेंबर्स एज दी वाइस चेयरपर्सन ऑल्सो ठीक है जिनका स्टेटस कैबिनेट मिनिस्टर का होता है और जो बाकी आठ बचे हुए मिनिस्टर्स हैं दे वुड हैव द स्टेटस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ़ द स्टेट So, देश की जो सबसे एपेक्स सबसे टॉप के ऊपर जो बॉडी है दैट इज द एनडीएमए एंड इट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए एक सेपरेट मिनिस्टर है होम मिनिस्टर एट प्रेजेंट अमित शाह इज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बट यहां पे एनडीएमए इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बट इट जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो है वो इट वर्क्स अंडर द होम मिनिस्ट्री ठीक है सो आइडिया ये है कि हमें एक पूरा ऐसा इंडिया बिल्डअप करना है सेफ हो रिजिलियंट हो किसी भी प्रकार के डिजास्टर से थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो यानी कि डिजास्टर आने से पहले हम प्रिपेयर रहें टेक्नोलॉजिकल ड्रीवन हो जितने भी जो मैनेजमेंट के तरीके हों या फिर जो भी हमें मिटिगेशन मैकेनिज्म यूज करने हैं दे शैल बी सस्टेनेबल डिवलपमेंट एंड इट फोस्टर्स ए कल्चर ऑफ द प्रिवेंशन प्रिपेयरनेस एंड द मिटिगेशन ये तीन की वर्ड है मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई बेंस का क्वेश्चन आए You have to focus on these three words about the prevention, about the preparedness, and about the mitigation. NDM objectives. Now, Suppose if I if I, if we don't have this in the book, what do you think NDM make objectives okay Try to just don't look at the screen. Close your eyes for a moment with me. Just listen to my voice. Can you hear my voice? Am I sounding it? Am I like, like I'm your mental voice? I am your conscience.

ये कीवर्ड्स हैं इनको याद करेंगे तो किसी दूसरे क्वेश्चन में भी यूज करने पे आएंगे ठीक है टू मेन स्ट्रीम डिजास्टर मैनेजमेंट इन टू द प्लानिंग प्रोसेस यू मीन बाई दिस डेवलपमेंटल प्लानिंग प्रोसेस जैसे कि एक हाईवे बन रहा है एक एक्सप्रेस वे बन रहा है सो वी विल इंश्योर कि हम उसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पहले से ही इंक्लूड कर दें तो एक हाईवे इस प्रकार से बनना चाहिए जो कि उस एरिया के पर्टिकुलर आने वाले डिजास्टर से प्रिपेयर्ड रहे सो ऐसा कोई एरिया जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन्स है तो वी विल क्रिएट एन विल क्रिएट अ हाई विच कैन विच स्टैंड अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ द अर्थक्वेक इफ दर इज एन एरिया जहाँ पे फ्लड प्रोन एरिया है सो वी विल क्रिएट बेसिकली फ्लड्स में सस्टेन कर जाए फ्लड्स को बेसिकली क्या नाम है उसमें पहना जाए सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को डेवलपमेंटल प्लानिंग प्रोसेस के अंदर मेन स्ट्रीम करना विल हैव टू क्रिएट सेवल इंस्टीट्यूशनस एंड टेक्नोलीगल फ्रेमवर्कस जो कि बेसिकली एनेबल रेगुलेट्री एन्वायरमेंट एंड कंप्लाइंस रिजीम

so we do not need to take any steps in Madhya Pradesh inside the Madhya Pradesh to save it from tsunami. सोनामी लेकिन महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज में करनी पड़ेगी आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में करनी पड़ेगी केरला में करनी पड़ेगी क्या नाम है अंदमान निकोबार लक्षदीप में करनी पड़ेगी द थिंग इज़ डैट कि वी कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कौन कौन से मतलब हम वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे लैंड होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कहाँ पे फ्लड्स आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कहाँ पर ड्रॉट्स आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है देन वी कैन असेस जब भी कोई uh, क्या नाम है डिजास्टर आता है सो so हमें उसका डैमेज असेस करना है एंड मॉनिटर टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना चाहिए कि कितनी डिजास्टर की पॉसिबिलिटी है देन वी नीड टू डिवलप फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बैकड बाई रिस्पांसिव फेल सेफ कम्युनिकेशन विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट अगैन इट इज बेसिकली सेम की जो डिजास्टर फोरकास्ट किया जा सकता है उसको फोरकास्ट कर सके ना जो सुनामी थी जो टू की इंडियन सुनामी थी इट स्टार्टेड फ्रॉम नियर इंडोनेशिया तो इंडियन कोस्ट पे आने में उसको दो घंटे लगे थे नाउ इमेजिन अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम एट दैट टाइम एग्जिस्ट करता कि हम वो सुनामी की जो मैसेज है जो उसको क्या नाम है कम्युनिकेशन uh, है जितने भी कोस्टल uh, एरियाज़ पे उन लोगों को कर सकते हैं और टू आवर्स इज़ अ वेरी वेरी इनफ टाइम टू एक्चुअली गो टू अ सेफ़र प्लेस और बहुत सारा सा जान और माल uh, क्या नाम माल की जो हानि है वो रोकी जा सकती थी सो वी नीड टू डेवलप दोज काइंड ऑफ सिस्टम्स यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है फोरकास्ट किया जा सकता है आने वाले डिजास्टर द वन विच वी कैन फ्लडिंग की जा सकती है ड्रॉट किया जा सकता है सुनामी की जा सकती है लैंडस्लाइड्स टू अ लेवल किए जा सकते हैं सम ऑफ अस ऑफियसली वी कांट जैसे कि कोविड इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू फोरकास्ट एन अर्थ क्वेक के नॉट बी फोरकास्टेड क्लाउड बर्स्ट नॉट मतलब कंप्लीटली फोरकास्ट नहीं किया जा सकता एंड देन वंस द डिजास्टर हैपन वी नीड टू इंश्योर कि उस पर रिस्पॉन्स और रिलीफ कितना इफिशियंट हो सकता है राइट एंड वेरी स्पेसिफिकली उनक्शन ऑफ द सोसाइटी पे फॉलो करना जो कि ज्यादा वलनरेबल है ड्यूरिंग डिजास्टर अ चाइल्ड इज मच मोर वर्ल्नरेबल है वो ज्यादा सो वी नीड टू क्रिएट अ डिजास्टर सिस्टम मैनेजमेंट विच कैन एक्चुअली केटर टू दैट वलनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वी ऑल्सो नीड टू डिफाइन कि भाई जो भी डैमेज होता है उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन कैसे करनी है एंड जितने भी ज्यादा डिजास्टर रिजिलियंट स्ट्रक्चर्स बन सके उतना बेहतर

दे ले डाउन दी पॉलिसीज ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट नेशनल प्लान अप्रूव करते हैं प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं इसको टू अप्रूव प्लान प्रिपेयर बाय द मिनिस्ट्री एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद दैट नेशनल प्लान अच्छा एनडीए में के नीचे होती है हर एक स्टेट लेवल पर एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी होती है तो उनके लिए गाइडलाइंस बनाते हैं कि स्टेट के ऊपर अपने अपने स्टेट को भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने होते हैं वो क्या करेंगे देन उसके बाद हर एक मिनिस्ट्री हर एक डिपार्टमेंट को बेसिकली अपने अपने अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इंटीग्रेट करना है भाई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिजास्टर रोड मिनिस्ट्री से अंदर रोड एरोप्लेन वाले के एरोप्लेन लाइक ऑल द मिनिस्ट क्योंकि डिजास्टर जो है नेचुरल हो या मैन मेड वो कहीं पे भी हिट कर सकता है आ, भाई स्टील इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री है उसके लिए अलग है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ ऑल ऑफ देम हैव टू बी बिपेयरड जो कि डिजास्टर उनकी मिनिस्ट्री को स्ट्राइक कर सकता है टू कोऑर्डिनेट द एनफोर्समेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी टू रिकमेंड प्रोविजन ऑफ फंडस पैसा कहाँ से आएगा एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ दिस थिंग्स कैन एक्चुअली हैपन टू द मनी सो हाउ डू यू गेट मनी फॉर दैट डिजास्टर मैनेजमेंट टू प्रोवाइड सच सपोर्ट अफेक्टेड अदर कंट्रीज़ अब भूकंप जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं आता वो नेपाल में भी आ सकता है श्रीलंका में भी आ सकता है इवन इन एफ्रीकन कंट्रीज में आ सकता है सो समटाइम्स नेसेसरी जो हमारी एक्सपर्टीज होती है उसके लिए दूसरे कंट्रीज़ को सपोर्ट भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दे देते हैं एंड होलिस्टिकली स्पीकिंग कॉम्प्रीहेंसिवली स्पीकिंग

उनको कितना रिलीफ देना चाहिए लोगों को करने. अगर बहुत ही ज्यादा डिजास्टर मतलब का है तो रीपेमेंट ऑफ लोन्स ग्रांट ऑफ फ्रेश लोन्स ऑन कंसेशनल टर्म्स टू द डिजास्टर्स मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो कि इसके अंदर आती है एनडीएमए के अंदर उसकी जनरल सुपरिटेंडेंस सुपरस डायरेक्शन एंड कंट्रोल होता है इट ऑथोराइज इज द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑथॉरिटी टू मेक एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट और प्रोविजन और मटीरियल्स इन ए डिजास्टर सिचुएशन ठीक है द स्टैंडर्ड प्रोसीजर रिक्वायर्ड इनवाइटिंग ऑफ द टेंडर्स इज डीम टू बी वेवड नाउ यूजअली गवर्मेंट जब कुछ भी प्रोक्योर करती है एनी काइंड ऑफ थिंग्सवेज है बट लेकिन कोई एमरजेंसी सिचुएशन है ओके यू जस्ट कांट वेट फॉर यू कांट फॉलो दैट होल प्रोसेस तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उस प्रोसीजर को वेव ऑफ भी कर सकती है एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए It prepares an annual report, कि ये क्या क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, है. है लेवलिटी पैरल है कोई खास फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में एक चेयरपर्सन होता है इसमें भी नौ मेंबर होते हैं बाकी बचे हुए चीफ so मिनिस्टर जो होगा वो बेसिकली इसका चेयरपर्सन होगा सो द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी इज एक्स ऑफिशियल दूसरे मेंबर जो होते हैं एक को वाइस चेयरपर्सन बना देते हैं द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव देव द सेम फंक्शन विच द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डज एट द लेवल ऑफ द स्टेटास्टर इसमें सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल फर्क जो है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक खुद की एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है एवरी डिस्ट्रिक्ट

उसमें चेयरपर्सन है ऊपर दोनों वाले में इसमें होंगे को चेयरपर्सन एक इसके अंदर और यूनिक चीज है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं शेड्यूल वाले ठीक है उसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर होगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इज ऑल्सो देयरपर्सन ऑफ द डीडीएफ में दैट इज इट ग्रेट ठीक है इसके अंदर थोड़ा सा डीडी डिस्ट्रिक्ट uh, है तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जो भी रिस्पॉन्सिबल रेलिवेंट पीपल है उनको इन्वॉल्व करने की बात होती है ओके okay? हैव द सेम फंक्शन एग्जैक्टली वट द स्टेट है स्टेट लेवल एंड वट द डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट का और उसका रिस्पॉन्स प्लान प्रिपेयर करना है जो नेशनल पॉलिसी बनी है जो स्टेट पॉलिसी बनी है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट में उसको कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करना है टू एंश्योर दट द एरियाज इन डिस्ट्रिक्ट वनरेबल टू दी डिज़ास्टर आर बेसिकली आइडेंटिफाइड किस गांव में बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना है किस गांव में सूखा आने का ज़्यादा संभावना है और उनके लिए बेसिकली फिर स्टेप्स लेने हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए उनको मीटिगेट करने के लिए टू इंश्योर कि डिजास्टर की प्रिवेंशन की जो भी गाइडलाइंस है जो कि एन और एस ने बनाई हैं वो डिस्ट्रिक्ट के सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं फॉलो करे टू ऑर्गेनाइज एंड क्वर्डिनेट स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉइज एंड दॉन्टरी रेस्क्यू कम्युनिटी ट्रेनिंग करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं ऑल ऑफ ऑफ बेसिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल दे मेंटेन रिव्यू एंड एंड अपग्रेड द द द मैकेनिज्म फॉर अर्ली वार्निंग्स एट डे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही हैंडल करेगा राइट right? अगर सुनामी आ रही है तो जो लोकल गांव हैं विलेजेस हैं डिस्ट्रिक्ट हैं विच आर गोइंग टू हिट बाय द सुनामी दे आर दी वन हु वेयर द अर्ली वार्निंग सिस्टम वुड बी सेटअप उनको मेनटेन करना इंफॉर्मेशन को डिससेमिनेट करना

State, uh, okay, I mean, National Disaster Management Authority is slightly far more important than what our chapter can actually show it. Because it's a separate, separate topic in the paper 3. Right, let's do the Bar Council of the. I didn't say anything on it. Don't think about anything, whatever you are thinking. I'm just saying that Bar Council of India is the chapter number 69 of the Khan 7th edition. <coughs> huh. did you bar Council of India what are you laughing and smiling about are you a teenager right now you're 21 year old you're, 20, you're 23. This is your second, third attempt. What are you laughing about? It's fine, but some one chapter has to be ch chapter number 69. Or so, this is chapter 70, also 70. And what is funny about it? Can't believe you, people, man. Seriously, get alive. Bar Council of India is also a statutory body because it was established by a law of Parliament, Advocates Act of 1961. Okay. Bar Council of India. Yeah. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑल इंडिया बार कमेटी बनाई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज एस आर दास इन कमेटी का मैंडेट था कि यह एग्जामीन करें और रिपोर्ट करें ऑन द इश्यू ऑफ द री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बार एंड द लीगल प्रोफेशन इन कंट्री इन्होंने 1953 में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की और इन्होंने एडवाइज किया था कि एक ऑल इंडिया बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल्स बनाई जाए जो कि पूरे के पूरे देश में लीगल प्रोफेशन एडवोकेट जो हैं उनको रेगुलेट करें सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ रेगुलेटिंग बॉडी फॉर द एडवोकेट्स एंड द लॉयर्स 1958 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बेसिकली यही रेकमेंड किया फाइनली जैसे गवर्नमेंट स्लो स्लो काम करती है इनको रिपोर्ट दो 1955 में ये काम करेंगे 1965 सौ पैंसठ में फाइनली द पास्ट दार्लियामेंट ऑफ इंडिया एन एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 ठीक है जैसे एनडीएम एसडीएम है उसी प्रकार से यहां पर भी दोनों जगह पर एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया है विच इज द नेशनल लेवल एंड देन देर इज ए स्टेट बार काउंसिल ऑल्सो इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी इट वर्क अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ऑफ द होम मिनिस्ट्री ये वाली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है ओके बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं एज वेल एज दी एक्स मेंबर इलेक्शन होते हैं बार काउंसिल के कुछ इलेक्टेड मेंबर दी मेंबर्स सबसे पहले वन मेंबर ईच इलेक्टेड फ्रॉम दी स्टेट बार काउंसिल हमारे देश में इस समय टोटल ट्वेंटी फोर बार काउंसिल्स हैं ठीक है हर एक स्टेट की एक बार काउंसिल होती है कॉमन भी हो सकती है जैसे महाराष्ट्र और गोवा की कॉमन है स्टेट बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा सो so, टोटल दे रहा ट्वेंटी फोर उसमें से एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हम कर चुके हैं दी सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया दे आर देंबर ऑटोमेटिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अस्टिट्यूशनल पोस्ट इट इज मैंट्यूशन डनीथिंग अबाउट द सोलिसिटर जनरल ठीक है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक चेयरमैन होता है एक वाइस चेयरमैन होता है दे आर इलेक्टेड बाउ दी बार काउंसिल फ्रॉम इनबर्स दे होल्ड ऑफिस फॉर दूर्स ठीक है

यूजली इन कंसल्टेशन विदिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द इंडिया सो जो भी इंडिया के अंदर लॉ कॉलेजेज है उसमें करिकुलम क्या फॉलो होगा रूल प्रोसेस प्रोसीजर्स सिलेक्शन के दोज आर बेसिकली लेड डाउन बाई द बार काउंसिल ऑफ इंडिया दे रिकोगनाइज यूनिवर्सिटीज हुज डिग्रीज इन लॉ शैल बी ए क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो कॉज द स्टेट बार काउंसिल टू विजिट एंड इंस्पेक्ट यूनिवर्सिटीज इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ठीक है सेमिनार्स एमिनेंट जूरिस्ट के साथ लीगल एड प्रोवाइड करते हैं पुअर पीपल को दे ऑल्सो रिकोगनाइज्रोकल बेसिस पे कौन सी फॉरन क्वालिफिकेशन इंडिया में एलिजिबल है फॉर दर्पजस ऑफ एज एन एडवोकेट तो जैसे सपोज कीजिए कि आपने रशिया से लॉ कर लिया ब्रिटेन से लॉ कर लिया तो वो वाली डिग्री इंडिया में मतलब यूज करके आप यहाँ पे क्या नाम है प्रैक्टिस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो सो दैट इज बेसिकली डिस दाउंसिल ऑफ इंडिया की कौन से देश की आ, जो डिग्री है लॉ डिग्री इंडिया में भी काम करेगी इंडिया में भी बेसिकली तुम एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो मैनेजेड इन्वेस्ट फंड टू प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ इट्स मेबर्स एंड टू परफॉर्म ऑल अदर फंक्शन जो कि एडवोकेट एक्ट ऑफ नाइन हंड्रेड सिक्सटी वन देता है फंड्स अपने अलग से बना सकते हैं टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस गिव लीगल एड एडब लॉ लाइब्रेरीज ग्रांट्स डोनेशन गिफ्ट्स सारे के सारे देते हैं इट कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल लीगल बॉडीज आल्सो इंटरनेशनल बार एसोसिएशन है इंटरनेशनल लीगल एड एसोसिएशन है नथिंग स्पेशल सेम थिंग एवरी स्टेट हैज एडवोकेट्स एक्ट जो है नाइनटीन का ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द दबलिशमेंट ऑफ एन एस स्टेट बार कमीशन हर एक स्टेट का बार कमीशन है देर आर ट्वेंटी फोर स्टेट बार कमीशंस लक्ष्मीकांत की अब मतलब हमें कोई ऐसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है टेबल नंबर सिक्सटी यू कैन गो टू दिक्सटी नाइन पॉइंट वन नंबर उसमें चौबीस स्टेट बार कमीशंस की लिस्ट हुई है उसमें आप देखेंगे कि कई जगहों पर कॉमन भी होता है जैसे कि एज एग्जाम्पल आई टोल्ड यू स्टेट बार ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा दैट इज गिवन इन द टेबल नंबर पॉइंट वन इन द चैप्टर नंबर बिकॉज द चैप्टर नंबर इज सिटी नाइन ऑफ चैप्टर हम कर रहे हैं दिस इज दिक्कसटी नाइन्थ चैप्टर ऑफ द लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकंत द टेबल इज नंबर्ड इज दिक्सटी नाइन पॉइंट अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्स ऑफिशियल मेंबर है तो स्टेट बार काउंसिल का एक्स ऑफिशियल मेंबर कौन होगा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट मेक सेंस। अब स्टेट बार काउंसिल्स के साथ सबसे पहले इसके मेंबर कैसे चुनते हैं स्टेट बार काउंसिल को जो स्टेट के एडवोकेट्स हैं वही वोट करेंगे ठीक है सो एन इलेक्टोरेट बनाया जाता है पांच हजार से पंद्रह हजार अगर मेंबर है पूरे के पूरे स्टेट में पांच से पंद्रह हजार एडवोकेट हैं तो बेसिकली इन केस ऑफ विद इलेक्टोरेट ऑफ तो पंद्रह की बार काउंसिल बनेगी अगर इलेक्टोरेट पांच से दस हजार का है तो बीस मेंबर की बनेगी इलेक्टोरेट ऑफ मोर देन टेन थाउजेंड तो पच्चीस मेंबर की बनेगी ठीक है नॉट अ प्रॉब्लम इन केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल एडवोकेट जनरल जो है वो एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं अगर कॉमन है महाराष्ट्र और गोवा की कॉमन बार काउंसिल होती है स्टेट बार काउंसिल तो एडवोकेट जनरल ऑफ ईच स्टेट इज द एक्स ऑफिशियल मेंबर जो स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है वहां पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल मेंबर वैसे ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है इसको किसी लॉ एग्जाम में तो पूछा जा सकता है यूपीएससी प्रॉबेबली इतनी डीप नहीं जाएगी यूपीएससी ये जरूर पूछ सकते अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द एक्स मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज द एक्स ऑफिसियल मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ द स्टेट बट स्टेट बार काउंसिल ऑफ डेली जो है उसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल मेंबर है ये यूनिक बात बहुत ही ज्यादा यूपीएससी प्रॉबली इतना डीप ना जाए वेन आई से दे वोंट इट्स लाइक प्रोबेबिलिटी दे वॉन्ट दे कैन दे कैन ठीक है मतलब मोस्ट कैन सी इट यहां पर भी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन बना दिया जाता है दे आर इलेक्टेड बाई द काउंसिल अमंगस्ट मेंबर साल के लिए बनते हैं टर्म ऑफ ऑफिस ऑन इलेक्टेड मेंबर ऑफ इज मेंस लेकिन अगर एस फेल्स टू प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन देन द जरूरत पड़ने पर एक्सटेंड भी कर सकते हैं ठीक है बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सटेंड कर देगी नो डॉ प्रॉब्लम सेम टू सेम इनके यहाँ पर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह है, जो है कमिटीज हैं अलग अलग डिसिप्लिनरी लीगल एड एग्जीक्यूटिव एनरोलमेंट दे डू द सेम थिंग विच द बार काउंसिल ऑफ इंडिया डज एट द सेम लेवल दे एडमिट पर्सन एज एडवोकेट्स दे प्रिपेयर एंड मेन्टेन सच रोल तो अगर आप लॉ uh, कॉलेज से अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको एनरोल करना पड़ेगा अपने स्टेट की बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट टू एंटरटेनमेंट एंड टू नॉन एंटरटेन टू एंटरटेन एंड डिटरमीन केसेज ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट एडवोकेट्स ऑन इट्स रोल कोई एडवोकेट के अगेंस्ट कंप्लेंट्स है वो स्टेट बार काउंसिल को दी जा सकती हैं एडवोकेट्स के जो भी राइट्स प्रिवेलेज और इंटरेस्ट हैं स्टेट उसको मैनेज करेंगे to promote the the growth of the Bar association, to promote and support law reform at the state level, to conduct seminars, to organize legal aid to the poor, same to same, exactly same functions, which will not be much of a difference, ठीक है एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक दिया हुआ है हमारे इसमें आइए देख लेते हैं इसको टाइप्स ऑफ एडवोकेट्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ठीक है दो प्रकार के एडवोकेट होते हैं तीन है एक्चुअली में एक तो है सीनियर एडवोकेट्स दूसरा इज एडवोकेट ऑन रेकर्ड एंड थर्ड वन इज अदर एडवोकेट्स तो सुप्रीम कोर्ट के सामने केस कौन फाइल कर सकता है हु कैन एक्चुअली फाइल द केस Usually सुप्रीम कोर्ट एक एग्जाम एक करवाता है विच इज कॉल्ड as द एडवोकेट ऑन रेकर्ड एग्जामिनेशन जो उसको क्लियर कर लेता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक लिस्ट पब्लिश करता है कि दीज आर द एडवोकेट ऑन रेकर्ड यही एडवोकेट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लीड कर सकते हैं केस फाइल कर सकते हैं केस लड़ सकते हैं अब कोई अच्छा और स्टैंडिंग का ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं इसमें जब कोई बड़ा अच्छा लॉयर हो जाता है एडवोकेट हो जाता है हु बिकम्स इंपॉर्टेंट तो सुप्रीम कोर्ट उसके कंसेंसस से उसको कंसेंसिसिक्लेयर कर सकती है एज ए सीनियर एडवोकेट ठीक है देन आर सम अदर एडवोकेट्स जो कि किसी भी कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ एर वाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी वन का जो ये एडवोकेट्स एक्ट है इसमें दो कैटेगरीज हैं लॉयर्स की सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर एडवोकेट्स जो कि बेसिकली कोर्ट्स के सामने प्रैक्टिस करते हैं अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो किसी को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर सकती है ठीक है बेस्ड ऑन द ड्यू सेटिस्फेक्शन कि जो एडवोकेट है वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है और उसके कंसेंट से उसको सीनियर एडवोकेट बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कि यार इसकी एबिलिटी जो है वो बहुत ही स्पेशल नॉलेज है इसको एक्सपीरियंस है लॉ में सो ही बेसिकली डिजर्व सच ए डिस्टिंक्शन बहुत अच्छे बीस पच्चीस तीस सालों से प्रैक्टिस कर रहा है दैट दैट पर्सन पर्सन हैज इन्फ्लुएंशियल सो वुड बी सीनियर एडवोकेट आइए इसको लास्ट में एक बार फिर से समझते हैं फर्स्ट वन इज द सीनियर एडवोकेट हु इज हुए सीनियर एडवोकेट Somebody who is declared by the Supreme Court or High Court as a senior advocate. उसको सीनियर एडवोकेट कहते हैं एनी एडवोकेट सो डेजिग्नेटेड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट इन सब के जो एडवोकेट के जो नाम है वो सीनियर एडवोकेट के रोल पे मतलब हर सुप्रीम कोर्ट विद द थर्टीन ऑफ एडवोकेट एज द सीनियर एडवोकेट ये साफ साफ कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो दूसरे जजेज हैं इस एडवोकेट के कंसेंट के साथ किसी को सीनियर एडवोकेट बना सकते हैं अगर उनके ओपिनियन में ये बंदा अच्छी नॉलेज का है स्पेशल नॉलेज है एक्सपीरियंस है अपार्ट फ्रॉम डेजिग्नेशन ऑफ एडवोकेट एड सीनियर एडवोकेट्स जो चीफ जस्टिस और जजेज होते हैं हाई कोर्ट के दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए उनको भी ये डेजिग्नेशन मिल सकती है ए सीनियर एडवोकेट इज नॉट एंटाइटल टू अपियर इन सुप्रीम कोर्ट विदाउट एन एडवोकेट ऑन रेकर्ड मतलब क्या है मतलब कि जस्ट बिकॉज कि आप सीनियर एडवोकेट हो तो आप बेसिकली कोर्ट के सामने नहीं आओगे यूजली जो सीनियर एडवोकेट बनेगा उसके पास पहले से ही एओ होगी पहले AOR समझते हैं AOR क्या होता है एओ आर एडवोकेट ऑन रेक एक एग्जाम है सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट कराती है अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने लॉयरिंग करनी है प्रैक्टिस करनी है सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल करने हैं सो यू नीड टू क्लियर दिस एग्जाम एडवोकेट ऑन रेकर्ड अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तो आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा कि दीज आर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रेकर्ड आप एर हो जाओगे आप एडवोकेट एडवोकेट ऑन ऑन हो जाओगे जो ये होते हैं यही है जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल कर सकते हैं या केसेस प्लीड कर सकते हैं मतलब जज के सामने जाके आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं वंस यू हैव दैट एओ आर इन्हीं को किसी को सीनियर एडवोकेट बनाया जाएगा याद रखेंगे ठीक है अगर उनके पास कोई सीनियर एडवोकेट है लेकिन उसके पास एओ आर नहीं है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता एक परमानेंट कमेटी बना रखी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि जो भी किसको डेजिग्नेट करना है सीनियर एडवोकेट के तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है एडवोकेट ऑन रेकर्ड हु इज एंटाइटल्ड अंडर द सुप्रीम कोर्ट 2013 एक्ट टू प्लीड फॉर अ पार्टी इन सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट तो में केस फाइल करना है उसके लिए बेसिकली किसी को केस लड़ना है वही तो सुप्रीम कोर्ट में नो एडवोकेट अदर देन एडवोकेट ऑन रेकर्ड इज एंटाइटल टू फाइल एन अपियरेंस एक्ट फॉर द पार्टी इन सुप्रीम कोर्ट तो अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना होगा वी नीड टू फाइंड ए सुप्रीम कोर्ट एट द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन इन ऑफ फेडरल इनहेरिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 था जीओआई इट क्रिएटेड फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया ठीक है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बट दिस वॉज नॉट दाइएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम ये इंडिया के अंदर थी ये उसी बिल्डिंग के अंदर है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 में बनाई गई थी उसी बिल्डिंग के अंदर जिसमें अभी प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करती है इसके ऊपर एक और थी जो कि लंदन में थी वाज कॉल्ड एज प्रीवी काउंसिल मतलब कि जो जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का केस था उसको अपील करके आप प्रीवी काउंसिल ले जा सकते थे वेन वी बिकेम फ्री एंड जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वी क्रिएटेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास दोनों पावर्स हैं ये प्रीवी काउंसिल की और ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भी ठीक है पहले तो स्टार्टिंग में वही जो रूल्स जो थे फेडरल कोर्ट में चलते थे वही चलते थे बट फिर प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स सत्तर साल हो चुके हैं ऑब्वियसली आर बेसिकली चेंजेस चेंजेस होते रहे हैं 1954 से 1954 से ठीक है सो so, जो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की इट कंडक्ट्स एन एडवोकेट ऑन रेकर्ड एग्जामिनेशन अप्रूवल ऑफ द एग्जामिनेशन कमिटी एंड सुपरविजन ऑफ द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं एग्जामिनेशन काफी अच्छा होता है कॉम्प्लेक्स होता है बेस्ट टैलेंट बनाया जाता है ये जो एग्जामिनेशन क्लियर करता है दैट पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रेकर्ड ध्यान रखिएगा एक रेगुलेशन है कोई भी एडवोकेट इस एग्जाम के लिए अपीयर नहीं हो सकता है कंटिन्यून लेस द सेम एडवोकेट बेसिकली हैव रिसीव्ड ट्रेनिंग फ्रॉम एन एडवोकेट ऑन रेकर्ड जो कि दस साल से बेसिकली प्रैक्टिस कर रहा है फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ वन ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फोर्थ ईयर ऑफ हिजोर हर एनरोलमेंट एडवोकेट ऑन रेकर्ड का अगर आप एग्जाम भी देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एटलीस्ट एक साल की ट्रेनिंग चाहिएगी किसी ऐसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नीचे जो कि दस साल से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो वॉय एडवोकेट्स हुज नेम्स इन ऑफ ए स्टेट बार काउंसिल बाकी उसके अलावा जो होते हैं those are called as the other advocates, जो भी भी में कोई रजिस्टर करा लेते हैं दे कैन नॉट अपीयर प्लीड और एड्रेस इन द सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो किसी पार्टी के तहत बेसिकली नहीं आ सकते हैं and unless, एक किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साइन ना ये भी बात ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट वाली तो ये जो अदर एडवोकेट्स हैं ये वैसे डायरेक्टली केस फाइल नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली किसी पार्टी का केस नहीं लड़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में बट अगर कोई और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परमिट करता है इंस्ट्रक्ट करता है एंड इन पर कोर्ट परमिट्स कर देते तो अलग बात है